इस वक्त पंजाब कैबिनेट ने बड़ा फैसला ये किया है कि इमरान खान के खिलाफ नए केसेस खोलने की तैयारियां कर ली गई हैं, उनकी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत इमरान खान पर बगावत पर उकसाने, आर्मी चीफ या अदलिया के खिलाफ बातें करने पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे गद्दारी के। जिसके बाद बहुत से हलके यहाँ पर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के बाद ऐसा क्यों किया जा रहा है। मोहित पीरजादा ने यहाँ पर कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज और पंजाब की काबीना दोनों ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा जहीन हैं। एक ऐसे वक्त में जब अक्वामे मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप ये कानूनी फैसला देता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी आर्बिट्रेरी है, यानी कि मनमानी पर मबनी है, और अक्वामे मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल ये पैगाम भिजवाता है कि अक्वामे मुत्तहिदा उम्मीद करती है कि इमरान खान की सूरत हाल में मुस्बित तब्दीली आएगी, एन उस मुनासिब मौका पे मरियम नवाज और इनकी समझदार काबीना इमरान खान पे पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ जंग करने और उकसाने के नए मुकदमे कायम करने की मंजूरी देते हैं। माशाल्लाह ये जीनियस नहीं है तो और क्या है। अच्छा, ये भी याद करें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यानी इज्तमाही जिम्मेदारी का जो तसव्वुर दिया था, इसका मकसद ये था कि अगर बादशाह सलामत बहक जाए, दिमाग खराब हो जाए और मनमानी करने लगे यानी आर्बिट्रेरी डिसीजंस, तो इनकी काबीना में कोई तो लोग होंगे जो बादशाह को अकल के मशवरे देंगे। मगर पंजाब की मलका मरियम नवाज अपनी काबीना में भी ज़ॉम्बीज ही रखे हुए है। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। जबकि मोहित पीरजादा की एक वीडियो भी आपके सामने रखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं उन पर दस्तखत किए हुए हैं, यानी कि अक्वामे मुत्तहिदा के कवानीन को वो तस्लीम करते हैं। अगर ये इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। आप ये मोहित पीरजादा की वीडियो सुने जरा। To the other thing, जो अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी अब नोट कर लिया, या वर्किंग ग्रुप जो है अक्वामे मुत्तहिदा का, अक्वामे मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, अक्वामे मुत्तहिदा के इस किस्म के बहुत से वर्किंग ग्रुप हैं, पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन किया हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि हम जो है सॉवरन है और ये हमारा इंडिपेंडेंट और इंटरनल मसला, बेवकूफ़ो, साइन किए हैं तो हमने उस कोवेनेंट के ऊपर, आपने ये एग्री किया है उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में कि हम इस ग्रुप की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको मानते हैं, इसीलिए आपको अक्वामे जो आपके फॉरन ऑफिस ने क्लेवरली कहा कि आप वहाँ जाए ना, आप वहाँ जाते आपको अपनी एविडेंस रखनी पड़ती, फिर वो डिसीजन आता आपकी और ज्यादा बेइज्जती होती, तो आपने तो एक ट्रिक प्ले की, आप वहां पे गए ही नहीं। जब आप वहां पे गए नहीं तो अभी बकवास करके पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप सिग्नेटरी हैं उस वर्किंग ग्रुप के। मैंने जब वीलॉग किया था उसके हवाले से एक दो दिन पहले दो दफा, तो मैंने आपको उसके शुरू में पढ़ के बताया था कि वो किस तरह से वर्किंग ग्रुप काम करता है, और वो क्लियरली वर्किंग ग्रुप की उसी 17 पेज की डिटर्मिनेशन में आप पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पर दिखाया था, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, पाकिस्तान ने उन कोवेनेंट्स को इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट किया। आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, ये तो हमारे अंदर इंटरवेंशन है।